नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है लंच का मजा लिया जाए। लंच में सलाद होना बहुत जरूरी होता है और ये सलाद मैंने बनाया। इसमें प्याज है और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, नो आइडिया, पत्ता गोभी ना। हाँ, फिर ये जो है ये क्या है, ये मुझे एक तो टमाटर है लाल रंग का और ये दूसरा वाला जो है मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम, रुकिए शायद आपको पता हो। ये जो टमाटर है, ये जो टमाटर है देखते हैं, ये देखिए शायद आपको पता है, तो आप लिखिए इसको कि कमेंट सेक्शन में क्या है ये। और क्या इसमें मैंने डाला, और एक और फ्रूट डाला था मैंने, क्या डाला था, हाँ ये वाला एक ये फ्रूट डाला था मैंने, इसका भी नाम मुझे पता नहीं। तो इस तरह से फिर इसमें नमक भी डाला थोड़ा सा, तो अच्छा सलाद बन गया है। और इसमें फिर उसके बाद जो है सिरका, जैसे कहते हैं सिरका, सिरका भी डाला इसमें। तो इस तरह से ये एक बढ़िया सलाद बन गया है, खा के देखा जाए। मज़ेदार है सलाद खाना, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सलाद से जो है बहुत सारी चीज़ें, विटामिन प्रोटीन ये सब मिलती रहती हैं। तो कभी कभी मैं डिनर में केवल सलाद ही खाता हूँ और कुछ नहीं खाता। दूसरा चीज़ क्या है ये देखा जाए, दूसरा ये राजमा चावल है। ये राजमा है, मैंने मिक्स कर दिया, राजमा बना लिया था और चावल बना लिया था, फिर उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया था उनको। ये भी फैंटास्टिक बना है। हाँ, ये ज़रूर इसमें मिर्चा कम पड़ा होगा, इसके लिए मुझे मिर्ची का अचार खाना पड़ेगा। टेस्ट देखा जाए क्या है। मज़ा, बस थोड़ा सा टेस्ट में जो है नमक कम लग रहा है, वैसे भी मैंने नमक कम डाला है और तीता भी कम है, क्योंकि मैंने तीता भी कम डाला है। तीता को मैं कम, तीता जो होता है उसको कंपेंसेट करूँगा उससे, मिर्ची के अचार से। तो ये भी फैंटास्टिक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, ये आधा घंटा में तैयार हो गया मेरा, आधा घंटा में सलाद भी तैयार हो गया और ये भी तैयार हो गया राजमा चावल। तो अब खाने का स्टार्ट किया जाए, खाना और एंजॉय करूं। और आप भी अगर खाना नहीं खाए हो तो आप भी अपना बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, लेट्स गो टू लंच, फैंटास्टिक लंच। Mm-hmm.